हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू मीनाक्षी क्रिएटिव ब्लॉग और हैप्पी होई अष्टमी। सबके बच्चों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे। और अभी ये होई अष्टमी की मॉर्निंग का टाइम है और मैं जा रही हूँ स्कूल, बिकॉज होई अष्टमी की छुट्टी नहीं होती है। तो मैं बस रेडी होकर पहुँच रही हूँ अपने स्कूल, फिर आके मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर मीनाक्षी क्रिएटिव ब्लॉग। और अभी मैं आई हूँ सीधा स्कूल से, और स्कूल से आके बस मैं सीधा मुंह हाथ धुलकर सीधा आ गई हूँ पूजा में, कि क्योंकि मैं पूजा कर लेती हूँ पहले, अभी मेरी पूजा नहीं हुई है। और अभी करीबन बज रहे हैं, एक बजने वाला है, मतलब 12:30 समथिंग हो रहे हैं। तो मैं कर लेती हूँ अपनी पूजा। सुबह तो मेरी जो नॉर्मल पूजा थी वो हो गई थी। होई अष्टमी वाले दिन भी हमारे यहाँ कथा कही जाती है इस समय, तो मैं चाची से बोल के चली गई थी कि चाची मुझे लेट हो जाएगा तो आप पूजा कर लेना, क्योंकि वो अब तक बैठी रहती हैं। फिर तो चाची ने कर ली है पूजा। मैंने उनसे पूछा है आपने पूजा कर ली क्या, तो उनकी पूजा हो गई है। अब बस मैं भी पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद जो है फिर मैं इसमें भी नहीं पीती हूँ मैं चाय वगैरह कुछ भी, वो शाम को इसमें पूजन के बाद ही खाती पीती हूँ। इसका पूजन तो शाम को जल्दी ही हो जाता है। और हाँ, हैप्पी होई अष्टमी टू ऑल ऑफ यू। सबके बच्चों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, सबके जीवन में खुशहाली रहे, सबके बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक रहें, ये मेरी दिली इच्छा है। और अभी मैं सबसे पहले अपनी होई में अभी बीज डालती हूँ, जो ये बीज डालते हैं हर साल। ये होई होती है सभी की होती होगी, हमारे यहाँ तो होती है और ये पहनी जाती है। अभी कथा कह के मैं इसको पहन लूंगी और फिर शाम को पूजा के समय फिर वापस से उतार कर इनको होई माता का जो कैलेंडर है इन पे मैं पहना दूंगी। और ये जो आपको धुआं दिखाई दे रहा है वो इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने धूप बत्ती लगा दी है। फिर मैंने सोचा कि पहले मैं बता देती हूँ कि अभी मैं पूजा कर रही हूँ, उसके बाद मैं शुरू करूंगी। तो चलिए पूजा करती हूँ अभी मैं। और ये सीधी मेरी वीडियो है स्कूल से आने के बाद। मैंने पूजा की थी और लगभग मैं आई थी 12:30 बजे स्कूल से, तब मैंने आकर पूजा की थी दोपहर वाली। जैसे करवा चौथ में दोपहर के समय भी कहानी कही जाती है और पूजा की जाती है, उसी तरह से सेम होई अष्टमी पर भी की जाती है। और मैं काफ़ी लेट हो गई थी तो इसलिए मैंने चाची को फ़ोन करके बोल दिया था कि चाची आप पूजा कर लीजिए क्योंकि मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। और जैसे कि अभी आपने देखा कि मैंने इसमें बीज डाले हैं होई के, वो जितने साल का बच्चा होता है ना ही बीज इसमें होई वाली माला में डलते जाते हैं, तो वो मैं डाल रही थी। और अभी ये मेरे पास जो कैलेंडर है इसी में कथा लिखी हुई है, तो मैं यहीं से पढ़ रही थी। वैसे मेरे पास एक किताब भी है होई अष्टमी की कथा की, जो कि पता नहीं मैंने कहाँ रख दी है, वो मुझे मिल नहीं रही थी। तो मेरी हो गई है पूजा, और पूजा के बाद फिर सीधा फिर मैं गई हूँ किचन में, और मैं अभी इसमें भी चाय वगैरह नहीं पीती हूँ। और बस अब मैं थोड़ी देर आराम करने के बाद जो है फिर अभी तो पहले मैंने जो है ना चीनी भिगो के रख दी है, बिकॉज आज शाम को पूड़े बनेंगे। और ये वाली मेरी क्लिप जो थी थोड़े से रेस्ट करने के बाद थी, मतलब शाम के टाइम की थी, फिर मैंने रेस्ट कर लिया था क्योंकि थक गई थी। एक तो स्कूल से आई थी, वहाँ कंटिन्यूसली मैंने अपने लेक्चर लिए थे, फिर उसके बाद से जब बोलते हैं तो गला काफ़ी एकदम सूख जाता है। तो मैंने बस ये मेरी जो क्लिप थी ना, तो ये मेरी स्कूल से आने के बाद थी, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर चीनी भिगो के रख दी थी। और मैं यहाँ पर घूम रही हूँ, जब आज बनेंगे घर में पूड़े और बनेंगे जवे, तो मैंने ये जो चीनी है ये तो पूड़ों के लिए घोल के रखी है, और ये मैं जवे भून रही हूँ। जवे भून कर और फिर मैं इनके दूध चढ़ा दूंगी और मेरे बन जाएंगे जवे। और सारा खाना तो पूछता ही, पर जो मेन जो पूजा होती है इसमें हमारे मीठे पूड़े बनते हैं और जवे बनते हैं, तो उसको मैंने कर दी है तैयारी, क्योंकि ये थोड़ा जल्दी भी पूज जाता है, तारे निकलने पर पूज जाता है, इसमें चांद की आवश्यकता नहीं होती है। तो आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। और उसके बाद मैंने इधर बना ली है अपनी हरी वाली जो प्याज होती है ना, वो वाली सब्जी बना ली है मैंने यहाँ पे। और बस फिर मैं ये पहले जवे बनने रख के तब लगा के रखूंगी आटा। और मैंने यहाँ पर बना ली है आलू की पीठी, मतलब आलू को मैश करके सारा सामान मिला लिया है। तो मैं बनाऊंगी थोड़ी सी कचौरी, यानी कि थोड़ी बहुत बनाऊंगी, मैं मुश्किल से 7-8 कचौरी बनाऊंगी, फिर ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। बस उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ आपसे, जैसे जैसे मैं बना रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये सब जो पूजा होती है वो शाम के टाइम में ही हो जाती है, जैसे कि मैंने आपसे बताया। और मैंने पहनी है ये होई की जो माला होती है, इसमें जितने साल का जो बच्चा होता है ना
उतनी ही बीज डाले जाते हैं। जैसे कि दक्ष अभी ना 13 साल का है, तो इसमें 13 बीज हैं। आपको दिख रहा होगा, आप काउंट कर लेना, तो ये 13 बीज हैं। इट मीन दक्ष जो है ना, अब 13 साल का हो गया, तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है ना, तो उसी के ये वाले बीज जो है वो बढ़ते जाते हैं। और ये शाम तक मैं मुझे पहन के रखना है, फिर जब पूजा होगी तो फिर मैं इसे उतार लूंगी और वहां पर पहना के इसकी पूजा करके फिर वापस से, मन है अपना पहनो तो पहन लो। और बहुत से लोग दिवाली तक पहनते हैं, बट मैं तो आज ही आज पहनती हूँ। और बस मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, मैं कर लेती हूँ तैयारी। और बस जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सब हमारे यहाँ पूजन होता है, तो बस अब मैं काम में लग गई थी, क्योंकि अकेले बनाते हैं ना तो बहुत समय लगता है, कि सब्जी काटने में ही काफ़ी समय लग जाता है। फिर कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ना कहीं कोई अलादीन का चिराग होना चाहिए, बस घिस दो और काम हो जाए क्योंकि अगर एक ग्लास कहीं भी छोड़ दो ना, तो फिर आकर वो वापस से वहीं मिलता है ना, तो ऐसा लगता है ओ भाई बस कुछ काम छूट ना जाए। ऊपर से दिवाली की सफाई का बर्डन जो हो रहा है वो बहुत हो रहा है, क्योंकि सफाई तो हो गई है बट फिर भी कर्टेन लगने हैं, अभी बहुत सारी फिनिशिंग है नीचे की, और धुलाई बाकी सब रह रहा है, थोड़े से कबर्ड रह रहे हैं सही होने के लिए, तो बहुत सारा काम है। वो धीरे धीरे ही हो पाएगा, क्योंकि 2:30 बजे से बाद में आकर कुछ काम नहीं हो पाता है, और एक दिन मुझे मार्केट भी जाना है, उसकी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फिर थोड़ा सा सामान लाना है डेकोरेशन का दिवाली के लिए, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। और अब मैंने बनानी शुरू कर दी है पूरी, और पीछे मैंने बना के रख दिए हैं वो पूड़े। और पूरी बनाने के बाद खाना तो ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि फिर नहीं खाया जाता है व्रत में, तो शाम के टाइम ना इतने थक जाते हैं, और थक भी जाते हैं, और फिर ना सारे दिन जब भूखे रहते हैं ना तो पानी पिया जाता है, फिर तो खाया तो कुछ जाता ही नहीं है। तो अब सबसे पहले मैंने पूरी बनाई है, पूरी बनाने के बाद मैं बनाऊंगी कचौरी, और कचौरी बनाने के बाद फिर मैं पूजा कर लूँगी। पूजा करने के बाद फिर तो मैं कुछ नहीं काम होगा। तो ये मेरा होई अष्टमी वाला था व्लॉग, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। कुछ मैंने शॉर्ट वीडियोस भी बनाई थी, और अब हो गया था बिल्कुल शाम का समय, तो अब मैंने यहाँ पर कर ली थी पूजा। तो यह सब चीज़ वही, जैसे कि एक आग पे, मतलब उसको एक कंडा होता है तो उसको खिला के बस ऐसे ही पूजा कर ली जाती है, सारा सामान उस पर रख दिया जाता है बस। और जो इसमें पैसे पूजे जाते हैं वो मंदिर भेज दिए जाते हैं, तो वो मंदिर क्या खाएगा बता, कर दूं कुछ अभी ना, अभी ना करे, अभी पहले मैं आप फ्री हूँ, बिल्कुल आज खुश हूँ, मेरे मैथ के सर स्वामी जी हूँ, बिल्कुल आज से मैं खुद करें पूरे एक्सरसाइज। भैया देख मैंने क्या क्या बनाया, खा लो यार, कचौरी पूरी और जबे और प्याज की सब्जी और दही, देखो जाओ खा लीजिए आप लोग। एंड इन द लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरी वन।